दोस्तों आज जानेंगे आधार कार्ड कैसे हम डाउनलोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और गूगल में हम एम आधार लिखते हैं और एम आधार करके सर्च करते हैं तो फर्स्ट पेज में आता है, उसको क्लिक करते हैं। तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखेगा और दिखने के बाद में पहला है डॉक्यूमेंट अपडेट, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में आएंगे दूसरे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे डाउनलोड एम आधार को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपना आधार नंबर डालेंगे, नीचे कैप्चा भरेंगे। कैप्चा को सही तरीके से आप भरेंगे वरना इनवैलिड कैप्चा भी आ सकता है। तो जिस तरीके से मैंने कैप्चा को भरा, सेंड ओटीपी किया, ओटीपी सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है हमारे मोबाइल पे। तो मोबाइल पे जो भी हमारा ओटीपी आएगा उसको हम इसमें सबमिट करेंगे, इंटर ओटीपी करेंगे। उसके बाद वॉलेट डाउनलोड करेंगे, वेरीफाई डाउनलोड करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अभी ओटीपी आया नहीं है, देखेंगे कि सेकेंड चल रहा है। तो सेकेंड जैसे ही एंड होगा फिर से मैं रीसेंड करूँगा, तो चूँकि अभी नहीं हो पाया थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं और फिर से हमने रीसेंड किया तो शायद इस बार ओटीपी आ जाना चाहिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी नहीं आ पाता है। तो देखिए सफलतापूर्वक ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी को इसमें एंटर कर दिया, एंटर करना वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद देखिए आपका सफलतापूर्वक हमें लिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। उसको हम एक डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पर किसी नाम से भी सेव कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान हो उसके हिसाब से आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने अपना नाम लिख दिया और सेव कर दिया और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड कर दिया। अब यहाँ से हम कट करेंगे, कट करने के बाद में जिस फाइल में हम जहाँ पे सेट किए थे उसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड में अपना 4 डिजिट का जो नेम होगा नाम लिखेंगे और लास्ट का जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप लिखेंगे, ओके करेंगे। तो ऐसे ही आपके खुल के आपके सामने आधार कार्ड आपका आ गया। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके लेमिनेशन करके अपने पास में रख सकते हैं। और एक चीज़ नया अपडेट किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आधार कार्ड में थोड़ा सा जूमिंग करते हैं तो कुछ लिख करके आया हुआ है। तो कुछ ये लिखा हुआ है कि यह आधार कार्ड जन्म के लिए वॉलिड नहीं है, ये एड्रेस के लिए वॉलिड है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसमें सारा चीज़ दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में आप सुरक्षित इसको रख सकते हैं, डिजी लॉकर में भी मैंने बनाया है, डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।